हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आर्किटेक्ट अनिता खरखोदी। अक्सर देखा जाता है कि फ्लैट सिस्टम में वॉशरूम्स का स्पेस बहुत कम होता है, छोटा होता है, तो इसलिए ये इतना कंफर्टेबल नहीं लगते और साथ ही स्पेस बहुत टाइट महसूस होता है। तो ये एक बड़ा टास्क होता है कि किस तरह से अपने वॉशरूम को कंफर्टेबल बनाया जाए जिससे कि ये इतना टाइट महसूस ना हो और इसे आसानी से यूज़ किया जा सके। तो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने स्मॉल वॉशरूम को कंफर्टेबल बना सकते हैं और आपके लिए इसे यूज़ करना भी आसान हो जाएगा। इस टॉपिक पर और बात करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वॉशरूम को कंफर्टेबल बनाने के लिए मेरा सबसे पहला टिप रहेगा कि आप अपने वॉशरूम को फ्लोटिंग बनाएं। फ्लोटिंग बनाने से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपके पास फ्लोर स्पेस ज़्यादा दिखाई देगा और क्लीनिंग भी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपकी पहुंच यानी रीच हर एक कॉर्नर तक इजीली हो जाएगी और सफाई करना आसान हो जाता है। फ्लोटिंग बनाने के लिए आपको करना ये है कि वॉश बेसिन से लेकर WC तक हर एक फिक्सचर को वॉल माउंटेड बनवाइए, इन्हें फ्लोर से नहीं लगवाइए। स्मॉल टॉयलेट्स पे देखा जाता है कि अक्सर लोग वॉश बेसिन काउंटर ना बनवाकर पेडेस्टल वॉश बेसिन लगवा देते हैं, जो कि काफ़ी ठीक रहता है, लेकिन कुछ काफ़ी ज़्यादा टाइट एरियाज में पेडेस्टल वॉश बेसिन भी उतना काम नहीं करता यानी इफेक्टिव नहीं रहता। तो इसके लिए सॉल्यूशन है कि आप कॉर्नर वॉश बेसिन लगवाइए, ये आपके स्पेस को बढ़ाएगा, बचाएगा। वैनिटी बॉक्स यानी ऐसी छोटे स्टोरेज जो कि वॉश बेसिन के नीचे बनवाई जाती है अपने टॉवल्स या एसेसरीज आदि रखने के लिए, इस वैनिटी बॉक्स को भी आप फ्लोटिंग बनवाइए यानी फ्लोर माउंटेड ना करवा के वॉल माउंटेड बनवाइए। इससे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा, फ्लोर ज़्यादा नजर आएगा और साथ ही इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें वॉशरूम में इतनी ज़्यादा स्टोरेज की जरूरत भी नहीं होती और हम फ्लोर तक स्टोरेज बनवा कर अननेसेसरली अपने एरिया को टाइट कर लेते हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि अपने वैनिटी बॉक्स के कॉर्नर्स को राउंडेड शेप दीजिए, इनके एजेस को भी थोड़ा सा राउंड शेप में लेके आइए। अगर आपका वॉश बेसिन काउंटर स्क्वायर इस या फिर रेक्टेंगुलर भी है तब भी आपको राउंडेड कॉर्नर्स अच्छे लगेंगे, इन्हें जरूर करना चाहिए। अगर आपने वॉशरूम में काउंटर बनवाया है तो इसके टॉप को आप WC तक लेकर जा सकते हैं यानी इसके टॉप को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा सेल्फ का काम करेगा। यहाँ पर आप अपने छोटे छोटे जरूरी सामान को भी रख सकते हैं और इसको डेकोरेटिव वे में सजा भी सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्लांटर्स वगैरह भी रखे जा सकते हैं, तो ये एक डिज़ाइन एलिमेंट का काम भी करेगा और आपके वॉशरूम की खूबसूरती को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। अपने स्मॉल वॉशरूम में एक बड़ा मिरर लगाइए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मिरर्स इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वॉशरूम में भी मिरर आपकी इस टास्क को पूरा करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अपने वॉश बेसिन के ऊपर मिरर को आप पूरे दीवार पर लगवा सकते हैं, ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगा और आपका स्पेस काफ़ी खुला खुला महसूस होगा। अगर आपने अपने वॉशरूम में शावर पैनल लगवाया है तो इसमें ग्लास डोर की जगह पर आप कर्टेन लगवा सकते हैं। शावर कर्टेन और स्पेस को काफ़ी सेव करते हैं और आपका एरिया थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा और उतना टाइट महसूस नहीं होगा। अपने वॉशरूम को स्टाइलिश लुक देने के लिए और साथ ही कंफर्टेबल बनाने के लिए ध्यान रखें कि वॉल माउंटेड फिक्चर्स को प्रेफरेंस देनी है, तो इसलिए WC भी वॉल माउंटेड ही लगवाइए, ये आपके स्पेस को बचाएगा और आपका वॉशरूम खुला खुला महसूस होगा, ये दिखने में भी सुंदर लगेगा और कंफर्टेबल भी रहता है। अगर आपकी दीवार की थिकनेस कम है यानी 4.5 इंच है, आप एक एक्स्ट्रा वॉल बनवा सकते हैं, ये वॉल आपको एक एक्स्ट्रा सेल्फ प्रोवाइड करेगी जिससे आप जो हैवी स्टोरेज बनवाते हैं अपने वॉशरूम में उन्हें भी अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका वॉशरूम काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा और उतना टाइट नहीं लगेगा। आप अपने वॉशरूम में वॉल्स पर पैटर्न्स को जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। पैटर्न्स आपके वॉशरूम में डेप्थ क्रिएट करेंगे और आपका वॉशरूम पहले से ज़्यादा वाइब्रेंट और सुंदर दिखाई देगा।
अगर आप अपने वॉशरूम को प्लेनर लुक ही देना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिर्फ एक वॉल को चूज कर सकते हैं। ये दीवार आपके लिए एक डिजाइन एलिमेंट का काम करेगी। इस एक वॉल पर आप अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन वाली या पैटर्न वाली टाइल्स चूज करके लगवा सकते हैं, तो ये आपके टॉयलेट की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देगी और टॉयलेट आपका पहले से ज्यादा सुंदर और दिखाई देगा। आप अपने छोटे एरिया में टॉवल रेल को दरवाजे के ऊपर भी लगा सकते हैं, साथ ही आप कुछ ओपन सेल्फ्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपने स्मॉल वॉशरूम में। ये भी एक एक्स्ट्रा स्पेस का काम करेंगी और दिखने में भी अच्छी लगेंगी, क्योंकि स्मॉल वॉशरूम में हमारे पास एरिया वाइज उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो हमारे पास काम करने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो अगर आप इसमें ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये आपके वॉशरूम को दिखने में ज़्यादा यूजफुल और सुंदर बनाएंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका वॉशरूम पहले से ना सिर्फ बड़ा और खूबसूरत दिखाई देगा बल्कि नीट एंड क्लीन भी दिखेगा और टाइट तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। तो देखते रहिए हमारी वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।